प्रदर्शन के मेंबर में कर रही है। इस कार्यक्रम का आगाज हम जोरदार तालियों से करते हैं। हमारे बच्चे तिलक लगाकर अतिथियों का सम्मान कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कृपया जो अगल बगल जितने हमारे साथी हैं, जितने दर्शक हैं, कुर्सियां काफी खाली हैं, कृपया बैठे, आप इस कार्यक्रम की शोभा बने, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। कार्यक्रम की शुरुआत हम एक चलचित्र से, एक छोटे से वीडियो क्लिप से कर रहे हैं, जिसमें कि हम जिला से संबंधित, हमारे जिला के गौरव से संबंधित झलकियां हम देखेंगे। छोटा सा वीडियो प्रदर्शन के लिए तैयार। जननायक कर्पूरी ठाकुर पहचान मेरा, उत्तर गंडक दक्षिण गंगा, लगता यूं सिरपुर है, बड़ा सुरीला और सुहावना जिला समस्तीपुर है अपना। नमस्कार, आप समस्त जिलावासियों को तिरपनवे समस्तीपुर स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सृष्टि का अनुपम उपहार समस्तीपुर अपने आदिकाल से ही ऐतिहासिक रहा है। यह मिथिला एवं तिरहुत का अति प्राचीन काल से ही अंश रहा है। सन 1972 का वो ऐतिहासिक दिन जब दरभंगा जिले से अलग होकर समस्तीपुर एक जिला के रूप में स्थापित हुआ। मिथिला क्षेत्र के परिधि पर मौजूद ये जिला उपजाऊ कृषि प्रदेश है। इतना ही नहीं, समस्तीपुर जिला धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी काफी उन्नत रहा है। जैसे थानेश्वर स्थान समस्तीपुर मुख्यालय की हृदय स्थली में अवस्थित थानेश्वर नाम के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा और विश्वास है। विद्यापति धाम महाकवि विद्यापति की कर्मस्थली भी इस जनपद का ओहिनी गांव है। बिहार सरकार ने इसे राजकीय समारोह का दर्जा देकर कवि कोकिल के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित की है। मणिपुर भगवती स्थान, यह स्थान इस परिक्षेत्र में मनोकामना पूर्ण कराने हेतु विख्यात है। यह मंदिर मनोकामना सिद्धि स्थान के रूप में चर्चित है। केवल महाराज अमर सिंह ने जिस लोक नायक की मदद से संघर्ष की विजय गाथा लिखी, वो केवल महाराज ही थी। इस मेले को राजकीय मेला का भी दर्जा प्राप्त है। खुदनेश्वर स्थान, एक मुस्लिम विधवा औरत खुदनी बीबी द्वारा स्थापित खुदनेश्वर स्थान संपूर्ण भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का बेमिसाल परिचय कराता है। इतना ही नहीं, समस्तीपुर जिला अपने आप में गर्व करने के लिए अनेकों विरासत और धरोहरों से परिपूर्ण है। चाहे वो समस्तीपुर का जूट मिल हो या फिर हसनपुर प्रखंड का चीनी मिल, ये दोनों मिले बिहार में कई वर्षों से विख्यात हैं। कृषि विश्वविद्यालय पूसा, इसकी स्थापना सन 1905 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कृषि कार्यों के अनुसंधान हेतु खोला गया, जिसे 1970 में नाम बदलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया। फिर 2014 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। यह विश्वविद्यालय खेती किसानी से जुड़े पाठ्य और अनुसंधान कराता है। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, इस कॉलेज का नाम भगवान श्री राम और माँ सीता के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इस अस्पताल के निर्माण के लिए श्री राम जानकी मठ द्वारा भूमि दान की गई, ताकि बिहार के लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सके। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज समस्तीपुर, इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। समस्तीपुर की धरती राजनीति में भी पीछे नहीं रही है। जब भी राजनीति की बात आती है तो अपमान का घूंट पीकर बदलाव की इबारत लिखने वाले जन के नायक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम सबसे पहले आता है। इसी वर्ष उन्हें भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत
भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अपने छठ गीतों के लिए प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका में से एक है। इन्हें बिहार की स्वर कोकिला भी कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। शारदा सिन्हा का कर्मभूमि समस्तीपुर रहा है। कोतार रामावतार अरुण, उनका जन्म बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं अरुण रामायण इत्यादि रही। अमिताभ सिंह एक भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, जिनका जन्म कुरौली गांव के समस्तीपुर में हुआ। वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में चंद्रयान 1 मिशन के लिए परियोजना प्रबंधक और चंद्रयान 2 और 3 मिशन के लिए उप परियोजना निदेशक और संचालन निदेशक। समस्तीपुर बिहार का छोड़ दे मैं का।